Hello friends, friends, audience and guys, how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस यूजेस सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स इट एंड दिस। इट का हम कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार से ये जहाँ यूज होता है, क्या इसकी सेंस बनती है, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है, दिस वर्ड का हम कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज होने के बाद इसकी क्या हिंदी बनती है, क्या सेंस बनती है, इट मीन्स ऑल ओवर हम कंप्लीटली सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपरली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रीप इस वीडियो को बने, आपके लिए वीडियो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसिवली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट भी आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इट एंड दिस, इनके यूजेस पर सिमिलरिटीज क्या है इनके बीच में और डिफरेंसेस क्या है, कंप्लीटली डिस्कस होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। इट एंड दिस, इट और दिस बहुत ही सिंपली तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं, आपकी इंटेंशन ही काम करेगी। स्टूडेंट्स यदि आप इंटेंशनली वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ओके तो इट का हिंदी यह होता है और दिस का हिंदी स्टूडेंट्स यह होता है। अभी इनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, कौन देखेंगे। देखिए यह भी बोल सकते हैं हम इसको, ये भी बोल सकते हैं यह है, या फिर ये भी सेंस में काम करता है। यानी कि जब हम फॉर्मल कलर में होते हैं, ऑफिशियल यूज की बात करते हैं, यानी कि जब हम ऑफिशियल कलर में होते हैं तो हम इट का हिंदी यह बोलते हैं और यह जहां लिखा होता है वहां इंग्लिश हम इट यूज करते हैं या फिर दिस यूज करते हैं। लेकिन जब हम अपने रियल कलर में होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ होते हैं तो डेफिनेटली हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इट या दिस को हम हिंदी की बात करें तो ये की सेंस में हम इसको यूज करते हैं। यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये मेरी किताब है, जबकि ये मेरी किताब है बोलना ये शब्द इनफॉर्मल है, एक फ्रेंड सर्कल में यूज किया जाता है, ये हम जहां अपने रियल कलर में होते हैं वहां यूज करते हैं और ये का जो सही हिंदी शब्द है वो यह होता है और यह का हम इंग्लिश बोलते हैं इट और दिस। ऑलराइट तो अब ये जो है, ये मेरी किताब है, ये मेरा बैग है, ये मेरा पेन है, इट मींस दिस इज माय पेन, इट इज माय पेन, इट इज माय बैग, इट इज माय पेंशन पेन, जो भी हम बोल रहे हैं दैट्स इट। तो यह या ये दोनों भी हम हिंदी यूज कर सकते हैं। राइट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इट का यूज स्टूडेंट्स नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जब हम सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का सेंस बना रहे हैं तो वहां हम इट यूज करते हैं, एक यूनिवर्सल फैक्ट है स्टूडेंट्स इट का यूज हम कर रहे हैं। तो उसके बाद दिस की बात करें तो दिस का यूज स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग के साथ साथ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता ही है, इसको हम लिविंग थिंग के साथ भी यूज करते हैं। राइट यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ भी हम यूज कर रहे हैं। तो दिस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के सेंस में होता है और लिविंग थिंग्स के सेंस में, यानी कि थिंग्स का मतलब ये नहीं कि बहुत सारी लिविंग थिंग्स और बहुत सारी जो है नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ यूज करेंगे, नहीं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो भी निर्जीव वस्तुएं होती है एक एक करके हम उनका यूज कर रहे हैं तो वहां हम दिस यूज करेंगे। ओके और लिविंग थिंग्स बहुत सारी जो जीवित चीजें हैं उनको एक एक करके हम यूज कर रहे हैं तो वहां हम दिस यूज करेंगे। लेकिन मानना है कि इट का यूज सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, 80% जो ट्यूटर होते हैं टीचर हैं मानना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इट यूज करते हैं। राइट फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि इट इज माय पेन, अब देखिए इट इज माय पेन, यह मेरा पेन, अब यह की सेंस आ रही है यह मेरा पेन है या कलम है। ओके तो समझने की बात यह है स्टूडेंट्स कि अब जो इट हमने यूज किया है इसका हिंदी यह बन रहा है। ओके यह मेरा पेन है और पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग को हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस में और यह की सेंस में हम इट यूज कर रहे हैं। तो ये कार्य तो ये भी कर रहा है दिस, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय बुक, यानी कि यह मेरी किताब है, दिस इज माय बुक, बुक हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है। राइट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।
और दिस का यूज हम यह की सेंस में कर रहे हैं, यह मेरी किताब है, तो किताब एक नॉन लिविंग थिंग है, और दिस हिंदी वर्ब में यह है, तो यह की सेंस में हमने दिस को यूज किया, और दिस बुक यह किताब, ओके दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब, तो नॉन लिविंग थिंग है, तो दिस यूज कर रहे हैं, राइट। यानी कि जहां यह है और नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, वहां हम इट भी यूज कर सकते हैं, दिस भी यूज कर सकते हैं, जबकि दिस का यूज हम लिविंग के साथ भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि दिस इज राम, यानी कि यह राम है, तो दिस यह राम है, तो राम तो यू कैन से दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, इट इज लिविंग थिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। तो राम, तो दिस इज राम, यह राम, तो लिविंग सेंस में यूज किया, दिस इज माय बुक, नॉन लिविंग सेंस में यूज किया, और इट का यूज हमने नॉन लिविंग थिंग के सेंस में किया, इट इज माय पेन, और इट और दिस यहां क्या हम बना रहे हैं, यह की हिंदी बना रहे हैं। अब देखिएगा मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है कि इट का यूज हम खाली नॉन लिविंग के साथ नहीं करेंगे, लिविंग थिंग के साथ भी यूज करने वाले हैं, राइट। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि दिस इज राम बोला था, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि इट इज राम, यानी कि यह राम है, दिस इज राम, ये वैलिड है, आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा है, समझा है इसको, लेकिन इट इज राम ये आपको थोड़ा सा यूनिक लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में इट इज राम लिविंग थिंग की सेंस के लिए भी हम इट यूज कर रहे हैं कि यह राम है, ओके तो एक्सेप्टेबल है ये चीजें। तो अभी डिसाइड क्या किया, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है कि इट का यूज भी हम नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग के साथ भी करने वाले हैं, जबकि दिस का यूज तो स्टूडेंट्स लिविंग और नॉन लिविंग के साथ शुरू से हो ही रहा है। तो डिफरेंट बात कैसे की आपने कि इट का यूज भी हम लिविंग के साथ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि हु इज दिस, ये तो बहुत सिंपल है, राइट, ये जो है रिलायबल है, ओके, ये होता है कि हु इज दिस, कि वह, देखिए वह की जो सेंस बनती है ना, अब वह के सेंस में हम दैट यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैंने कहा हु इज दिस, यानी कि यह कौन है, तो who एक इंटरोगेटिव सेंस बना रहा है, ये एक सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, जिस सेंटेंस में who का यूज होता है वहां सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, पूछ रहा है कि कौन, सब्जेक्ट एनिमल नहीं होगा वहां, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग होने वाला है, तो who is this, यह कौन है, तो this यानी कि यह लिविंग थिंग के लिए काम कर रहा है, लिविंग थिंग के लिए, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं who is it। अब देखिए कि who is it, यानी कि it का यूज भी तो हम मॉडर्न इंग्लिश में लिविंग थिंग के साथ कर रहे हैं, और who is this, यह कौन है, who is it, यह कौन है, तो this और it दोनों का ही यूज हम लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स जहां यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, वहां हम इसको इनको प्रयोग कर सकते हैं, और नॉन लिविंग के साथ तो दोनों का यूज हम कर ही रहे हैं, लेकिन डिफरेंट बात क्या सीखने को मिल रही है कि हमने इट का यूज लिविंग थिंग के सेंस में किया है, इट इज राम, दिस इज राम, बोथ आर राइट, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, राइट, अब हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, इस पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कि जो कार्य दिस कर रहा है वो कार्य इट प्रॉपरली किए जा रहा है, दिस ने क्या काम किया है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के साथ अपना रोल प्ले कर रहा है, यह की सेंस में काम हो रहा है, तो इट ने क्या किया, ये भी नॉन लिविंग के साथ साथ लिविंग के साथ भी काम कर रहा है, यानी कि यह के सेंस में प्रयोग हो रहा है, तो अब तक दोनों इक्वली काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस के बाद अब स्टार्ट हो रही है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें इट की, इट का स्पेशल यूज की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो देखिएगा, यानी कि हम इट का प्रॉपर जो यूज करते हैं वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं, यानी कि नाउन का रिपीटेशन, जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहले सेंटेंस में हम नाउन का यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हम किसी सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो वो नाउन होता है, और उसी नाउन को यदि हम रिपीट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, तो ये ग्रामर का हम ग्रामर के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, लैंग्वेज की ब्यूटी खराब कर रहे हैं, नाउन का एरर बना रहे हैं, ओके, क्योंकि पहले सेंटेंस में यदि हमने नाउन यूज किया है
और उसी नाउन से रिलेट हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर नाउन को बार बार रिपीट करना मतलब नाउन रिपीटेशन, नाउन का एरर बन रहा है, ओके, लैंग्वेज का ब्यूटी खराब हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि सी ड्राइव, देखिएगा सी तो स्टार्ट नहीं करेंगे, सीता लिखिए, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, ऑलराइट, सीता ड्राइव्स अ कार। अब देखिए सीता ड्राइव्स अ कार, सीता कार को ड्राइव करती है, चलाती है। अब सीता जो है वो एक नाउन है स्टूडेंट, राइट, और कार भी एक नाउन है, ये एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है, ओके। अब यदि मैं इस पर्सन की क्वालिटी यानी कि सीता की क्वालिटी को आगे एक्सपेंड कर रहा हूं दूसरे सेंटेंस में, तो मुझे नाउन के रिपीटेशन का जरूरत नहीं है। यदि मैं रिपीट कर रहा हूं कि सीता ड्राइव्स अ कार वेरी फास्ट, अब कार को बहुत तेज चलाती है, तो देखिएगा अब सीता ड्राइव्स अ कार, अब यहां सोचने वाली बात है, सीता जो कार चलाती है सिंपल एक क्रिसमस सेंस बन रही है, लेकिन सीता उस कार को चलाती है तो उस किस सेंस में, उस कार को तेज चलाती है, हम यहां नहीं यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंट बात है, राइट, यानी कि जब स्पेशल बात होती है तो हम नहीं यूज करते हैं, कोई एक ही सेंस होती है तो हम एल यूज करते हैं। लेकिन एक चीज सोचिएगा स्टूडेंट्स कि यहां हमने नाउन का यूज किया, अब इस नाउन को मैं यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां मैंने फिर से नाउन का यूज किया था, तो इस नाउन को फिर से मैंने यहां रिपीट कर दिया है, तो ये नाउन का रिपीटेशन एक प्रकार से जो ग्रामेटिकल मिस्टेक पैदा कर रहा है, राइट, ये नाउन का एरर बन रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं वो देखिएगा, यहां इट का यूज होना है, यानी कि नाउन के रिपीटेशन और नया नाउन इसका है इट का है, तो सीता की जगह लिखेंगे सी, राइट, सी ड्राइव्स कार, नॉन लिविंग थिंग है, सी ड्राइव्स इट, सी ड्राइव्स इट वेरी फास्ट, वह इसको बहुत तेज चलाते हैं, सी ड्राइव्स इट वेरी फास्ट, तो देखिएगा किसकी जगह यूज हुआ है, कार की जगह, यानी कि कार जो शब्द है, ये जो नाउन है, ये दोबारा रिपीट ना हो, इस रिपीटेशन से बचाने के लिए, नाउन के एरर को होने से या रोकने के लिए हमने इट का यूज किया है, क्या इस जगह पर दिस आ सकता है, सोचिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके, नहीं आ सकता, क्योंकि दिस का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन में नहीं होता। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन, तो वहां हमको ही सी इट मिलता है, राइट, सेकंड पर्सन की बात करें तो हमें यू मिलता है, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो हमें आई वी मिलता है, राइट, लेकिन अभी यहां कहीं भी दिस नहीं है, दिस का यूज कहीं भी नहीं है। इट मींस क्या समझने को मिल रहा है कि यदि हम नाउन की जगह किसी शब्द को यूज कर रहे हैं, नाउन को बार बार आने से रोकने के लिए, नाउन के बार बार आने से रोकने के लिए जो भी हम शब्द यूज करते हो प्रोनाउन होता है, राइट, सीता को बार बार यूज करने से, यानी कि एक सेंटेंस से फिर से यूज करने वाले हैं तो नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, रॉन्ग हो जाएगा, तो हमने शब्द यूज किया सी, यानी कि फीमेल है तो सी, यदि राम है, मोहन है, सोहन है, मेल यानी कि कोई नाउन है तो फिर हम अपना क्या यूज करने वाले हैं, ही, राइट, यदि बॉयज है, स्टूडेंट्स, तो क्या यूज करने वाले हैं, दे, यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो फिर हम इट यूज करेंगे, तो सीता ड्राइव्स अ कार, अब कार ये नाउन जो है, इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन क्या है, इट है, तो हम क्या यूज करेंगे, सी ड्राइव्स इट, यानी कार की जगह इट वेरी फास्ट, ओके, तो हमने रिपीटेशन से बचा लिया, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम इट करता है, दिस नहीं करता, यहां से डिफरेंस आना स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, यानी कि दिस लिविंग के साथ काम किया, नॉन लिविंग के साथ काम किया, इट ने भी लिविंग के साथ काम किया, नॉन लिविंग के साथ काम किया, लेकिन यहां डिफरेंस बनना स्टार्ट हो गया कि इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है, इट क्या स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन, जबकि दिस पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, तो इसलिए नाउन की रिपीटेशन को रोका है, तो यहां सिर्फ इट आएगा, दिस नहीं आएगा, और हम बार बार नाउन भी नहीं लिखेंगे, राइट, तो ये एक डिफरेंट वर्क है जो दिस नहीं कर सकता। और नेक्स्ट वर्क यह रहेगा स्टूडेंट्स, जब भी किसी हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत होती है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि वर्षा होती है, अब वर्षा होती है तो वर्षा तो रेन हो गया, राइट, यानी कि रेन तो नाउन के रूप में भी काम करता है स्टूडेंट्स, ओके, लेकिन वर्षा होना जब ये प्रोसेस में आ जाती है चीजें, यानी कि क्रिया हो रही है, प्रोसेस चल रही है, यानी कि वर्षा होना कोई नाउन जो है वो एक्शन में है, यानी प्रोसेस में आ गया है, तो फिर ये एक वर्ब की फॉर्म में चेंज हो गया,
वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होती है का पूरा इंग्लिश सेंटेंस तो बन गया रे, जो कि एक वर्ड के फॉर्म में है। लेकिन अब ये जरा सोचिए, हिंदी में तो पूरा सेंटेंस है वर्षा होती है, अब वर्षा की इंग्लिश रही, अब होती है कि क्या इंग्लिश बनाओगे आप? होती है ऑलरेडी वर्षा की प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है, यानी कि वर्षा से हटकर होती है का कोई सेंस नहीं है। ओके, तो अब इसका सब्जेक्ट, जहां हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है राइट, तो हम वहां इट यूज कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यह लिखा गया है, यह मेरा पेन है, तो वहां तो हम इट इज माई पेन यूज कर ही रहे हैं, दिस इज माई पेन भी यूज कर रहे हैं राइट। जहां यह नहीं लिखा गया है हिंदी में, वहां हम सिर्फ इट यूज करने वाले हैं। यानी कि दिस का यूज सिर्फ वहां होगा जहां हिंदी में यह मिलेगा, यह मेरा थैला है, दिस इज माई बैग, इट इज माई बैग। लेकिन इट तो वहां भी यूज हो सकता है जहां हिंदी में यह नहीं लिखा है। वर्षा होती में कहां लिखा हुआ यह है राइट, तो हम लिख सकते हैं इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट इट रेन्स। जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगता है या फिर लगता है, खाली मैंने बोला लगता है, अब बोलिए लगता है हिंदी में तो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो लगता है मींस क्या, लुक्स, सीम्स, अपीयर्स, तो हम क्या लिखेंगे, इट लुक्स लगता है या फिर ऐसा लगता है, यह लगता है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि जहां हिंदी में यह नहीं भी लिखा है तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इट का यूज करते हैं, और इट वहां पर किस रूप में काम करता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो डमी सब्जेक्ट, यानी के सब्जेक्ट के रूप में इट आता है। इट का अपना कोई हिंदी नहीं होता, वो सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सब्जेक्ट को डेकोरेट करने के लिए, ताकि ये जो सेंटेंस है ये विदाउट सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस होता नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, काम को करने वाला, यानी सेंटेंस में वर्ब बहुत जरूरी है, वर्ब को करने वाला कोई चाहिए। वर्ब क्या, काम दो ही प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, क्लियर, दो ही टाइप्स का होता है, या तो उसको करने यानी कि किया जाता है किसी के द्वारा, कोई इसको करता है उस काम को, या वो काम अपने आप हो जाता है। हिंदी में भी कहा जाता है क्रिया, किसी काम का करना या होना, मीन्स उस काम को कोई करता है, यानी सब्जेक्ट कोई है, या फिर वो काम नेचुरल अपने आप हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई हिंदी का सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है उसके अंदर, यानी काम करने वाला नहीं है, तो उस सेंटेंस में वर्ब का नेचर क्या होगा, हैपनिंग होगा, उसमें काम अपने आप हो रहा है, होता है। जैसे मैंने कहा कि I killed a tiger, मैंने टाइगर को मारा, तो टाइगर को मारने का काम किसने किया, आई ने किया। तो ये जो डूइंग प्रोसेस है, ये वर्ब का नेचर कैसा है, इस पर काम किया जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि a tiger died yesterday, कल एक टाइगर मर गया, तो टाइगर किसी ने मारा नहीं, वो मर गया, इट मींस ही डाइज, जो वर्ब है ये हैपनिंग है, काम अपने आप हो जाता है। ओके, तो वर्ब के दो नेचर होते हैं। तो सब्जेक्ट जो है, अब इसमें एक कुछ करता नहीं है, नो डूर है, ये कुछ नहीं करता है राइट, लेकिन ये सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए, सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए, बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं इट, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट राइट। तो हिंदी भी नहीं है इसकी, यह है यहां पर, फिर भी हम इसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ओलावृष्टि होती है, तो ध्यान देने की बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हमें इट को यूज कहां करना है समझने वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, तो देखिए अब यहां लिखा नहीं गया है कि यह ओलावृष्टि होती है। ओके, तो अब इसमें हम इट यूज करने वाले, यानी कि इट हेल्स, हेल जो होता है ओला गिरना, यानी कि ओलावृष्टि होना जिसको आप बोलते हो, तो इट हेल्स। तो यहां हमने सब्जेक्ट यूज किया इट, जहां नहीं लिखा होता वहां हम सब्जेक्ट इट यूज कर रहे हैं, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम सब्जेक्ट इट यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आपके जो समझने लायक चीजें वो ये है कि दिस और इट दोनों जो है वो एक जैसे हिंदी देते हैं, यानी कि दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। दिस का यूज लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के साथ हुआ, दिस इज माय बैग, दिस इज राम, जबकि इट का यूज भी दोनों सेंस में हुआ कि इट इज माय बैग, इट इज राम, ऑलराइट। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस कब आया, जब इट ने काम किया नाउन के रिपीटेशन को रोकने का, जब इट ने काम किया किसी सब्जेक्ट के ना होते हुए सब्जेक्ट बनकर सेंटेंस को पूरा करने का, जहां इसको हमने क्या डिग्री दी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की, डमी सब्जेक्ट की डिग्री हमने इसको दी राइट। तो ये डिफरेंस था स्टूडेंट्स। तो
तो यहां से ये समझ आता है कि जो काम दिस कर सकता है वो काम इट कर सकता है, लेकिन जो काम इट कर सकता है वो काम दिस नहीं कर सकता। दिस क्या काम कर सकता है? लिविंग नॉन लिविंग के साथ यह कि सेंस बना सकता है, ये काम तो इट ऑलरेडी कर रहा है राइट, लेकिन जो काम इट ने किया है एक नाउन के रिपीटेशन को रोकने का, वो नाउन का रिपीटेशन रोकने का काम दिस नहीं कर सकता। और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना होते हुए वहां अपने आप को सैक्रिफाइस कर, अपने आप को स्टैंड करके सेंटेंस को पूरा भी दिस नहीं कर सकता, वहां इट का यूज होना है राइट। अब देखिएगा आगे, इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा इट के बाद यदि बी का फॉर्म है, ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, यदि इट के बाद हम बी का फॉर्म मिलता है इज एम या आर या फिर वाज है वर है, बी का फॉर्म यदि हमको मिलता है इट के बाद, तो स्टूडेंट्स वहां हमारा जो सब्जेक्ट होना, देखिए ध्यान दीजिएगा, इट के बाद बी का फॉर्म, बी के बाद आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये गलत है। यहां हमारा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट हो, ये ध्यान रखना है। जैसे कि स्पीक में भी हम आमतौर पर यूज करते हैं कि इट्स मी, ये टोटली रॉन्ग है। इट्स मी बोलना यानी कि बोलने के फ्लो पर कोई अफेक्ट ना पड़े, हम अपनी बात को जल्दी कन्वे कर दें, इसलिए हम बोलते हैं इट्स मी, जबकि टोटली रॉन्ग है ग्रामर के बेस पर, क्योंकि इट्स मी कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, इट इज अगर आप मी की बात हो तो भी गलत है। It is I. क्यों? क्योंकि is, am, are, be की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट रियल में देखा जाए होता नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, राइट। अब देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यदि मैं कॉम्प्ली सी एम पी एल ई यूज कर रहा हूं तो पूरक होता है, और यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना होता है, तो खाली एक लेटर से मीनिंग बदल जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ? इट इज यह है, यदि आई को अगर हाइड करता हूं तो इट इज यह है, मीनिंग अधूरा है, सब्जेक्ट अधूरा है, इनकम्प्लीट है। सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे लिखना पड़ा आई, इट इज, देखिएगा इट इज आई, यह मैं हूं, ओके। तो अगर ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है तो ये सब्जेक्ट ही तो पूरक होगा, सब्जेक्ट को पूरा करने का काम ऑब्जेक्ट कैसे कर सकता है? तो आप यहां मी लगाने का गलती कभी मत करना जब बी का फॉर्म होता है, ओके। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में थ्री वर्ड्स आ सकते हैं, या तो नाउन यूज हो सकता है, या प्रोनाउन यूज हो सकता है, या एडजेक्टिव यूज हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि ही इज पोलाइट, अब पोलाइट कौन है? ही, तो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा कौन? पोलाइट, तो पोलाइट क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है? एडजेक्टिव हो गया, राइट। जैसे मैंने कहा कि ही इज राम, अब वह कौन है? राम, तो ही इज अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही इज राम, राम वह है, वह राम है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही तो हुआ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ? नाउन हुआ। फिर मैंने कहा कि राम इज ही, आपको हिम नहीं लिखना है, हिम लिखने का गलती मत करना क्योंकि सब्जेक्ट का पूरक है। मैंने कहा राम इज इनकम्प्लीट है, राम इज राम है, क्या राम इज ही, राम वह राम है, तो ये वह राम को पूरा कर रहा है, इस सेंस को पूरा बना रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, राइट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ? प्रोनाउन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन आ सकता है, जैसे मैंने कहा कि ही इज राम, प्रोनाउन आ सकता है, जैसे मैंने कहा कि राम इज ही, एडजेक्टिव आ सकता है, मैंने कहा कि ही इज पोलाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इट के बाद यदि बी की फॉर्म आती है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट लिखेंगे, राइट, दैट्स इट। तो आगे बढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा यदि किसी भी हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत डे से होती है, किसी हिंदी के सेंटेंस की शुरुआत डे से होती है तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा वहां सब्जेक्ट इट ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि आज सोमवार है, या मैंने कहा
कल छुट्टी होगी, राइट? या फिर मैंने कहा कि कल मेरा जन्म दिन था, राइट? कहने का मतलब क्या है गाइज कि आज कल कल यानी कि डे से शुरुआत हो रही है। जब डे से शुरुआत होती है तो वहां सब्जेक्ट इट होता है, डे नहीं होता। टुडे इज मंडे, राइट? यानी कि आज मंडे है, राइट? यानी कि सोमवार है। तो ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। स्पीकिंग में आप इसको यूज करते हो, क्या लिखिएगा? इट इज मंडे टुडे, राइट? इट इज मंडे टुडे। तो जहां डे से शुरुआत हो रही है, डे टुडे, यस्टरडे, टुमारो यानी नेक्स्ट डे, तो वहां सब्जेक्ट इट होना चाहिए, ओके? जिसे मैंने कहा कि यस्टरडे कल छुट्टी होगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है। कल मेरा जन्मदिन था, यस्टरडे वॉज माय बर्थडे। ये सेंटेंस गलत हो गया गाइज, यस्टरडे वॉज माय बर्थडे। तो कैसे लिखेंगे इसको? आप यहां से इसको हटाओगे और क्या लिखिएगा? इट वॉज माय बर्थडे यस्टरडे, राइट? अब ये सही है। जब डे से शुरुआत हो हिंदी के वाक्य में तो आप इंग्लिश में लिखिएगा वहां इट। कल छुट्टी होगी, अक्सर ऐसा बोलते हैं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, टुमारो विल बी हॉलीडे, गलत है गाइज। टुमारो से नहीं स्टार्ट होगा, क्या लिखिएगा? इट विल बी हॉलीडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। यानी कि एट लास्ट की बात की जाए तो हिंदी का वाक्य जब डे से शुरू होता है कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, जो भी हम बात कर रहे हैं, या फिर कल ये था या कल ये होगा, तो वहां इट से शुरुआत कर रही है, ना कि डे से शुरुआत हम करेंगे, ओके? उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इट से रिलेट। तो ये सारे यूजेस इट से रिलेट काम कर रहे हैं, ओके? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस हद तक समझ पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि हमको किसी सेंटेंस के सेंस में ऐसा लगता है, हिंदी का वाक्य हमको मिलता है, तो अगर वो ऐसा वाक्य है जैसे मैंने कहा कि दो दिन हो चुके हैं, दो दिन हो चुके हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ऐसे बात करें तो दो दिन यानी कि टू डेज, राइट? टू डेज हो गया। अब हो चुके हैं, होने का इंग्लिश क्या होता है? बी, और चुका है मतलब परफेक्ट की बात हो रही है, राइट? है मींस प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज या फिर हैव बीन हो गया, क्योंकि चुका है, हैज या हैव, चुका है यानी क्या? हो चुका है, मींस होना बी, हैज या के बाद बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए क्या ये सेंटेंस बना? नहीं बना। तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट नहीं है तो हम यूज करेंगे इट हैज बीन टुडे, इट हैज बीन टुडे, यानी कि दो दिन हो चुके हैं, ओके? अब मैंने कहा किसे दो दिन हो चुके हैं, मुझे दो दिन हो चुके हैं। हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे, एक बार पूरा सेंटेंस नहीं सीखेंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जब ये होता है कि मुझे, उसे, तुम्हें, उन्हें, तो हम क्या यूज करेंगे? टू मी, टू हर, टू देम, राइट? इस प्रकार से हम यूज करने वाले हैं, या फिर टू हिम। तो इट हैज बीन टू डेज, यानी कि दो दिन हो चुके हैं मुझे, तो इट हैज बीन टू डेज टू मी। अब मुझे दो दिन हो चुके हैं, इस बनकर तैयार है, ओके? अब मैंने कहा कि मुझे दो दिन हो चुके, क्या करते हुए? मैंने कहा कि मुझे दो दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए, या मुझे दो दिन हो गए हैं खेलते हुए, काम करते हुए, राइट? तो क्या लिखने वाले हैं? इट हैज बीन टू डेज टू मी प्लेइंग और रीडिंग, राइट? तो अब इसका हिंदी क्या है, बनकर क्या तैयार हुआ है कि इट हैज बीन टू डेज, दो दिन हो चुके हैं, किसको? टू मी, मुझे, या उसे, टू हिम, उसे, टू हर, उसे, या उन्हें, टू देम। क्या करते हुए? प्ले, खेलते हुए, और रीडिंग पढ़ते हुए। तो ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि मुझे पढ़े हुए दो दिन हो गए,
पढ़ते हुए 2 दिन होने का मतलब मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, और पढ़े हुए 2 दिन होंगे मतलब 2 दिन से मैं पढ़ा नहीं हूं, राइट। तो क्या लिखिएगा, फिर इसको हम यहां से इरेज करेंगे, यहां से टू मी रहेगा यू का यू, ओके। और इसको इरेज करके हम क्या लिखने वाले हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इट हैज बीन टुडेज टू मी, मुझे 2 दिन हो चुके हैं। पढ़े हुए यानी कि पढ़ा नहीं हूं, या फिर खेले हुए खेला नहीं हूं, तो क्या लिखिएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म मींस प्लेड, कि 2 दिन हो गए मुझे खेले हुए, मींस मैं नहीं खेला हूं 2 दिन से। अगर खेले हुए काम किए हुए कुछ टाइम हो जाता है, यानी कुछ टाइम से मैंने काम नहीं किया है, तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। और काम करते हुए समय हो गया, यानी काम कर रहा हूं इतने समय से, तो फिर हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनसी प्लेइंग रीडिंग ऐसा यूज कर रहे हैं खाली। तो ये आपको समझना चाहिए, यदि पास्ट की बात है तो इट हैड बीन, फ्यूचर की बात है तो इट विल हैव बीन, यानी कि ऐसा बोल सकते हो कि 2 दिन हो चुके थे, इट हैड बीन टुडेज टू मी हैविंग प्लेड, या फिर आप बोल रहे कि 2 दिन हो चुके होंगे तो इट विल हैव बीन टुडेज टू मी हैविंग प्लेड, ऑलराइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ऑलराइट। देखिएगा आगे लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद इट का यूज कंप्लीट, ओके। देखिएगा यदि हमको सेंटेंस मिलता है लगता है कि सेंस, ओके, तो लगता है का इंग्लिश हम लेते हैं टेक। जैसे मैंने कहा कि मुझे, या फिर मैंने कहा कि 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, हिंदी जानने वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सामने हिंदी के सेंटेंस बन रहे हैं, 2 मिनट लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, राइट। तो भी सामने कोशिश कीजिएगा 2 मिनट्स, MINUTES, 2 मिनट्स। अब लगते हैं क्या मतलब टेक, अब ये तो सेंटेंस नहीं बना, 2 मिनट्स, 2 मिनट, 2 मिनट्स लगते हैं टेक, सेंटेंस बनाते हैं इट के साथ, ध्यान दीजिएगा, इट टेक 2 मिनट्स, इट टेक 2 मिनट्स। अब देखिए ध्यान सोचिएगा, मैंने इट के साथ टेक यानी फर्स्ट फॉर्म, जबकि ग्रामर क्या बोलता है, इसका वायलेशन हो रहा है रूल का, इट के साथ, ही के साथ, सी के साथ हमेशा एस या एस यूज किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स जिनको ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज होता है फिर भी वो ये माइनर मिस्टेक कर देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ही सी इट कोई भी सिंगुलर नाउन है तो एस या एस लगाना है। यदि उस वर्ब का लास्ट लेटर वाउल है तो वो एस बन जाएगा, और यदि कंसोनेंट है तो खाली एस यूज करें, ओके। जैसे कि मैंने कहा ब्रिंग, अब ब्रिंग लास्ट में जी कंसोनेंट है तो ब्रिंग्स, मैंने कहा गो लास्ट में वाउल है तो गोज, ओके। तो ये कंसोनेंट नहीं है, ये वाउल है, तो वाउल है तो एस बन गया। इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, मुझे 2 मिनट लगते हैं, राइट। ये आपको समझ आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आई टेक 2 मिनट्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो आई टेक 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, मुझे 2 मिनट लगते हैं, यानी किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। हमारे पास 2 ही तरीके हैं, आई टेक 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, मुझे 2 मिनट लगते हैं, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 मिनट किस चीज में लगते हैं, खाने में, पीने में, पढ़ने में, कहाँ लगते हैं, कहाँ टाइम स्पेंड होता है, वो बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे खाना खाने में 15 मिनट लगते हैं, ओके, पहले देखते हैं कि 15 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 15 मिनट्स, इट टेक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट लगते हैं किसको, मुझे, तो हम क्या लिखेंगे, इट टेक्स 15 मिनट्स टू मी, राइट। क्या लिखने वाले हो, टू मी, इट टेक्स 15 मिनट्स टू मी, मुझे 15 मिनट लगते हैं, या तो ऐसे लिखिएगा, या फिर ऐसे लिखिएगा कि आई टेक 15 मिनट्स। देखिए ये समझने में आसान भी है, शॉर्ट भी है, कि आई टेक 15 मिनट्स, मुझे 15 मिनट लगते हैं, लेकिन हमने इट का यूज किया है,
इट टेक्स 15 मिनट्स टू मी, ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपकी चॉइस है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हम इट का यूज कर रहे हैं, इट का टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम ये सेंटेंस बना रहे हैं। अब मुझे किस काम का मैं खाना खा लेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई टेक 15 मिनट्स टू ईट। देखिएगा आई टेक, मुझे लगता है 15 मिनट्स 15 मिनट टू ईट खाने में, ये भी सही है और आप इट से बना रहे हो वो तो द बेस्ट वहां ही है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इट टेक मी, ध्यान देना है इट टेक, फिर से मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टेक्स इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू ईट, ऐसे भी आप लिख सकते हो, यानी कि इट टेक्स 15 मिनट्स टू मी, मुझे 15 मिनट लगते हैं, आई टेक 15 मिनट्स, मुझे 15 मिनट लगते हैं, सेम बात है, आई टेक 15 मिनट्स टू ईट, मुझे खाने में 15 मिनट लगते हैं, या फिर इट टेक्स मी 15 मिनट्स, इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू ईट, मुझे खाने में 15 मिनट लगते हैं, दोनों ही सही है स्टूडेंट्स। यहां हम इट का यूज कर रहे हैं, यहां हम आई सब्जेक्ट में बना रहा हूं, ओके। मुझे आपको तो यू स्टार्ट कर सकता, यू लिख सकते हो, उन्हें दे आप कुछ कर सकते हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये थे यूजेस इट एंड दिस, दिस का जो है यूज वो लिमिटेड था स्टूडेंट्स, और इट का यूज हमने काफी एक्सपेंडेड वे से आपको सिखाया है। दिस ने क्या काम किया, ब्रीफिंग दे लेते हैं, दिस का यूज यह किस सेंस में होता है, और वो लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग के साथ हम यूज कर रहे हैं, जहां यह लिखा होता है वहां दिस लगाना जरूरी है, लेकिन वो यूज तो इट का भी हो रहा है वहां पर, जैसे कि मैंने कहा इट इज माय बुक, इट इज राम, लिविंग प्लस नॉन लिविंग के साथ तो इट भी काम कर रहा है, लेकिन इट का रियल यूज वो नहीं है, इट का रियल यूज नाउन की रिपीटेशन को रोकना है, उसके दोहराने की जो परिस्थिति होती है उसको रोकना है, ओके, जहां दिस काम नहीं कर सकता, और जहां हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता वहां इट का यूज करते हैं, दिस का यूज नहीं करते, ओके। बाकी आपने यूज देखे यहां पर, जहां डे शुरुआत होती है वहां इट यूज करते हैं, जहां यानी कितना समय हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा, वहां हम इट यूज करते हैं, लगते के सेंस में कितना समय लगता है तो वहां हम इट यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये सभी जो यूजेज हैं ऑल ओवर मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है, इसके सिवाय आप एग्जांपल चाहे कितने बना दीजिएगा, लेकिन इट का जो कॉन्सेप्ट था, जो यूजेज थे, वो मैंने सब इसमें कवर कर दिए इस वीडियो के अंदर, ओके। तो आई थिंक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, और एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, इट जो हमारा जैसे मैंने मेंशन किया इसके अंदर कि पर्सनल प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन है, ही सी इट, ओके, ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, जबकि दिस जो है स्टूडेंट्स वो देखिएगा दिस का जो यूज है दिस इज माय बुक, यानी कि दिस इज माय बुक, वर्ब से पहले दिस आ रहा है, ये हमारा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, डेमोंस्ट्रेटिव, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट, यानी संकेत वाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं। और यदि मैं इसको ऐसे लिखो कि दिस बुक इज माइन, तो ध्यान रखिएगा दिस बुक, बुक एक नाउन है, दिस बुक यह किताब, अब ये जो शब्द है इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, इसको एम्फसाइज कर रहा है कि यह किताब, यह एडिशनल इंफॉर्मेशन कहो, एम्फसाइज कहो, तो ये एक एडजेक्टिव बन गया, कैसा एडजेक्टिव, संकेतवाचक, यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो दिस जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन कब बनेगा, जब यहां वर्ब होगी, और एडजेक्टिव कब बनेगा, जब यहां नाउन होगा, हिंदी सेम ही है, लेकिन इट ऐसा काम नहीं करता, ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि इट को हम ऐसे यूज करें कि इट बुक इज माइन, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, इट बुक कभी नहीं होता, क्योंकि इट जो है वो एडजेक्टिव नहीं होता, दिस यूज होता है, क्योंकि दिस एडजेक्टिव होता है, कैसा एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इट तो एक पर्सनल प्रोनाउन है, जहां हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं। तो हम दिस का यूज कहां कहां कर सकते हैं, आपको पता चल गया डेफिनेटली कि दिस जो है एक डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, इसको हम नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इट का यूज हम नहीं कर सकते नाउन के साथ ऐसे, ओके। तो आशा करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा।
फिर भी कोई डाउट है गाइस तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप ड्राइंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।